कहते हैं ना कि आवाज निकली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन कोई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं है, मेन मुद्दा इस पर हट गया है। कमल खिलेगा, तीर चलेगा या लालटेन जलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनीस राज। इस वक्त हम मौजूद है बिहार की धरती मुजफ्फरपुर में। आप देख सकते हैं कि ये बेड़िया गोलंबर है। बेड़िया गोलंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाड़ी यहाँ से गोल गोल घूम के आती है। और ये आप इस जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा है जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और भैया ये देखिए, थोड़ा सा बिहार में आ गया, थोड़ा भोजपुरी नहीं बोले तो क्या बोले। इधर आइए भैया, आपको बताते हैं कि बेड़िया गोलंबर का एक दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर आप सीधे देख सकते हैं कि अब इसके दौरान हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर की। ये दुर्गा मंदिर है, अगर आप यहाँ से इसका सीधे जाइएगा तो आपको 0 माइल पड़ेगा, और आप अगर इधर जाइएगा तो आपको भगवानपुर पड़ेगा। अगर आप इस साइड जाते हैं तो आपको लक्ष्मी चौक पड़ेगा, अगर आप उस साइड जाते हैं तो आपको दरभंगा सीतामढ़ी रोड पड़ेगा। चलिए भैया, तो चलते चलते हम जान लेते हैं कि मुजफ्फरपुर का चुनावी माहौल क्या है। और आपको बता दें कि बेड़िया गोलंबर के इधर जो है, इस साइड जो क्षेत्र पड़ता है वो मुजफ्फरपुर पड़ता है, और यहाँ के विधायक है सुरेश कुमार शर्मा। चलिए देखते हैं, जानते हैं जनता की चर्चा। कहते हैं ना कि जनता की आवाज़ देश की आवाज़ होती है, तो क्यों ना जनता से पूछ ली जाए कि चुनावी माहौल क्या है। देखते रहिए महाखबर। चलिए, सुबह का वक्त हो चुका है और बेड़िया गोलंबर पे आए और जनता की राय। अच्छा ये बताइए भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ, हम बका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग। अभी आप बेड़िया गोलंबर पे क्यों हैं? एग्जाम देने आए सर। एग्जाम देने आए हैं, किस जगह से आए? बका से आए। बका से आए हैं एग्जाम देने, किस कॉलेज में? ये एमपी सिन्हा साइंस कॉलेज में। अच्छा ये बताइए कि चुनावी का माहौल क्या है? पता है ना एग्जाम आने वाला है, क्या लगता है आपको, कौन कमल खिलेगा, तीर चलेगा या फिर लालटेन जलेगा? इस बार तो लालटेन ही जलेगा। विधायक काम किए हैं ना? हाँ, हमारे भी विधायक। अच्छा ये बताइए भैया, आप कहाँ से हैं? हम नवादा से आए हुए हैं। नवादा से आए हैं मुजफ्फरपुर में एग्जाम देने जी। तो ये बताइए कि चुनावी का माहौल क्या है, क्या रंग लग रहा है इस बार, किसका लहर है? मेरे यहाँ तो नवादा में आरजेडी का ही रहेगा। आरजेडी का रहेगा जी। वहाँ के विधायक कौन है? मेरे रजौरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, और इस बार भी टिकट उन्हीं को मिला है, माननीय प्रकाश वीर चौधरी। काफ़ी नक्सलाइट एरिया है वहाँ तो? है तो ज़रूर, क्योंकि झारखंड सटा हुआ एरिया है तो जंगल पड़ता है, कुछ भी कांड होता है तो उधर चला ही जाता है। ये बताइए भैया, चुनाव का बुखार चढ़ चढ़ कर बोल रहा है, 10 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार का बिग बॉस कौन लगता है आपको इस बार, कमल खिलेगा, तीर चलेगा या लालटेन जलेगा? हमको तो लग रहा है जो कमल खिलेगा। कौन विधायक है आपके? हमारा तो विधायक अभी अशोक चौधरी है। कहाँ के रहने वाले? बगले के अशोक चौधरी है। कुछ काम किए हैं, विकास किए हैं विधायक? कुछ नहीं। तो इस बार जवाब दीजिएगा ना, वोट दे के क्षेत्र छोड़ के ही भाग गए। क्षेत्र छोड़ के भाग गए, मतलब कुछ काम नहीं किया? कोई काम नहीं। तो आपको लगता है कि आप इस बार जवाब देंगे कि अपने अधिकार वोट दे के? बिल्कुल जवाब देंगे कि हाँ विकास नहीं किया है तो उनको ये मिलनी चाहिए सजा? बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि इस बार कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी उभर के आएगी, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कमल छाप। बिल्कुल। तो लगातार देख रहे हैं। हाँ भैया, का हो ये बार चुनाव में, कौन पार्टी जीत के आई? इस बार हमारी लोजपा और बीजेपी की सरकार बनी थी। रामविलास पासवान गुजर गए, आपको कितना दुख है? दुख तो काफ़ी है, क्योंकि हम लोगों के वो अभिभावक थे, लोजपा से थे, लोजपा से मैं भी हूँ अभिभावक, हमने खोया है लोजपा परिवार, पूरा अभिभावक खोया है। भाई हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, कितना दुख हुआ है उनके चाहने वालों को भी, जिस तरह से रामविलास पासवान बीच में ही हम सबको छोड़ के चले गए, काफ़ी दुख होता है जी। अच्छा ये बताइए भैया कि आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं अभी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं जी। तो क्या माहौल रहता है ऑटो का यहाँ पे? यहाँ पे कुछ खुरापाती भी होती है, कुछ बदमाश लोग आते भी हैं, या क्या माहौल रहता है इस जगह का? ऐसा अभी फिलहाल तो कुछ नहीं होता ऐसा, और कभी कदाल हो गया एक आध घटना तो वो अलग केस है, 6 महीना साल में अगर एक आधा हो गया तो वो अलग मैटर, लेकिन अभी फिलहाल इस सरकार में काफ़ी सुधार हुआ था। प्रशासन आते हैं ना मदद करने? जी। ये बताइए भैया, क्या माहौल चल रहा है, क्या लहर चल रहा है इस बार? इंडिया की सरकार बनेगी। किसकी सरकार? इंडिया की सरकार। अच्छा, क्योंकि जितना किए हैं केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार, वो जनता के हित में ही किया है। लोग का अपना अपना मन है, इस पर कोई प्रतिबंध है नहीं। लोग कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हैं
कौन विधायक, कौन है विधायक? बेबी चौधरी, बेबी कुमारी, बेबी कुमारी। अच्छा बोझां के, बोझां के क्या काम हुआ है? बोझां, बोझां में खूब काम हुआ है, खूब काम हुआ है, फिर इंडिया की सरकार बनेगी। ऐसा लग रहा है कि बेबी कुमारी का विद्रोह चल रहा है काफी लोग के द्वारा, मतलब हल्का फुल्का था। एक परिवार में जब पांच परिवार में ही नहीं पड़ता है तो विधानसभा का बात है, वो ठीक है, वो फिर चुनाव में आएंगे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मुजफ्फरपुर का है, हाँ, कांटी विधानसभा क्षेत्र। कहाँ जा रहे हैं साइकिल से सुबह सुबह? सालके से आए थे यहीं पर, फॉर्म वर्म देखने की कुछ आया है कि नहीं, लेकिन कोई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं है, मेन मुद्दा इस पर हट गया है। बी टी ई टी पास किए हुए हैं 2017 में। बी टी ई टी मतलब? हाँ, बी टी ई टी मतलब बिहार टीचर एजुबिलिटी टेस्ट। हाँ, एग्जाम हम लोग पास कर लिए हैं, बी एड कर लिए हैं, उसके बाद भी आज तक कोई रोजगार नहीं मिला है। अब सोच रहे थे कि अब हम लोग का रोजगार मिल जाएगा, लेकिन तीन साल से सरकार बैठा के रखा हुआ है, उसके बाद भी स्टेट एग्जाम लिया, फिर कैंसिल कर दिया बिना कोई कारण के, फिर एग्ज़ाम लिया, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया, हम लोग को हाई स्कूल का टीचर बनते उसमें से आईआईटी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया 17, फिर एग्ज़ाम हुआ इधर का ही 14 तारीख को एकदम ईजी क्वेश्चन हुआ, तो इसमें तो वो सब पास कर जाएगा, हम लोग नहीं पास करेंगे, इसमें सरकार बोलता कि नोबलाइज होगा, लेकिन कोई आज तक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ। 2000 अभी हम लोग 14 में दिए थे बीएससी, आज तक क्लियर नहीं हुआ। उस एग्ज़ाम का हुआ क्या? उस एग्ज़ाम का हुआ जो आपने दिया था? उसका सब फाइनल हो गया, मेरे पास प्रूफ है। मतलब बहाली हो गई, सब चीज़ खत्म हो गया? नहीं, बहाली नहीं हुआ। एग्ज़ाम दे दिया, मार्कशीट दे दिया कि आप लोग बी टी ई टी पास है, आप लोग का जॉब मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन आज तक जॉब नहीं मिला। तो जॉब नहीं मिला, आप विधायक कौन है वहाँ के? विधायक तो हम लोग के यहाँ के ही है अशोक। तो आपने इसके लिए अधिकारी के पास गए? हाँ, यहाँ गए, वहाँ शिक्षा मंत्री को फ़ोन किए, कल जहानाबाद में शिक्षा मंत्री को रखता है सब, कृष्णनंदन वर्मा को, इस पर कोई बात नहीं हो रहा है। आदमी को अभी मेन मुद्दा रोजगार चाहिए, ये मेन मुद्दा है। अब आप बात कीजिएगा 370 हो गया, और बात कीजिएगा फिर कल हो के कि राम मंदिर बने, उससे पेट ही चलेगा? नहीं चलेगा। हम लोग का रोजगार चाहिए, हम लोग का रोजगार चाहिए। हम लोग पढ़ लिख के आज MSc का के रोड पर है, कोई काम नहीं मिल रहा, कंपटीशन निकालने के बाद भी यही हाल है। प्राइवेट सेक्टर कोई भी नहीं है, सब निजीकरण हो रहा है, रेलवे का भी आज तक कोई NTPC नहीं हुआ है, सबका यही हाल है। बहुत बेरोजगारी, बहुत बहुत बड़ा समझिए कि आदमी रो नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ हो रहा है पढ़ लिख कर। तो युवाओं का एक ही मुद्दा है रोजगार का, आखिर रोजगार इन्हें कब मिलेगा? ये हमेशा विवश हैं और अधिकारी के पास भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती है। देखते रहिए महाखबर।